सबसे पहले हमने काम किया है, एक फाइल क्रिएट करी है मल्टी डायमेंशन एरे की, पीएचपी का ऊपर टैग लगाया है, ठीक है। और इसके बाद हमने यहाँ पे डॉक टाइप एचटीएमएल का एक टेम्पलेट टाइप का इसको ये करा है, और ये हमारे पास बॉडी का टैग यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अगर मैं ब्राउजर के ऊपर जाती हूँ, ब्राउजर के ऊपर आके मैं बात कर रही हूँ, तो मेरे पास मल्टी डायमेंशन के लिए MUL अंडरस्कोर एरे, ये मेरे पास ब्लैंक पेज है जो कि मेरे पास रन हो रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे इसके ऊपर मैं डिजाइन करती जाऊंगी वैसे ही ये डिस्प्ले भी होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। टाइटल मैंने चेंज कर दिया है, मल्टी कर रही हूँ मैं यहाँ पे, हाँ सेलेक्ट कर दी मल्टी एर, अच्छा। नॉर्मली जब आप एरे ले रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था कि एरे लेते वक्त आपने इसको इस तरह इनिशियलाइज कर, ठीक है ना। एरे का कोई भी हमारे पास यहाँ पे नाम होता है, इधर देख लो दोबारा से, एरे आप जब ले रहे होते हो तो मैंने यहाँ पे कहा था कि आप एरे का कोई भी नाम ले लो। लेट सपोज मैंने कह दिया कार, ठीक है। इक्वल्स टू करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये देखो, ये हमारे पास एरे है, तो इसको सिर्फ एम्प्टी इस तरह करके हम शो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एम्प्टी इस तरीके से शो कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये डिक्लेयर करके दिखाया भी था कि अगर कलर का लेना है तो आप इस तरह ले सकते हो, या इसके अंदर आप वैल्यू भी दे सकते हो। यानी अगर मैं कार लिख रही हूँ और मैं यहाँ पे एम्प्टी लेना है तो ऐसे लूंगी, ठीक है। और अगर इसके साथ मुझे कोई वैल्यू चाहिए तो मैं इसी के अंदर यहाँ पे वैल्यू जो है वो डिफाइन कर दूंगी। बात समझ में आई? ये वैल्यूज के साथ है, और अगर एम्प्टी एरे लेना है और बाद में ऐड कराना है तो मैं एम्प्टी एरे इस तरह ले सकती हूँ, ठीक है। ये एक एरे है, इसमें अगर बाद में एरे ऐड कराऊंगी तो डॉलर कार और फिर इंडेक्स करके बताऊंगी कि जीरो इंडेक्स की वैल्यू क्या है। समझ में आई बात? ठीक है, ये है आपके पास। ठीक है, ये इंडेक्स आएगा आपके पास। ये क्या है मेरे पास? इंडेक्स है। ये तो मेरे पास बिल्कुल वैसा है जैसे कि आपके पास मैं अगर कहूं कि ये सिंगल डायमेंशन वाली बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सिंगल डायमेंशन की बात हो रही है। मल्टी डायमेंशन इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, मल्टी डायमेंशन इसमें कुछ भी नहीं है, सही है। यहाँ देखो सिंगल डायमेंशन की अगर बात हो रही है तो कार का जो भी नाम है, सही है, वो इसी तरह आ रहा है ना भाई। ठीक है, ये अब इसका इंडेक्स अगर मैं बात करूं तो ये कौन से इंडेक्स पे? जीरो पे, ठीक है। ये कौन से इंडेक्स पे? वन पे। इसका इंडेक्स टू है, इसका इंडेक्स मेरे पास थ्री है, और इसका इंडेक्स मेरे पास फोर है, ठीक है। हमारे पास ये इंडेक्स मौजूद है, सही है। अब मैं अगर प्रोडक्ट की बात करती हूँ, ये तो हमारे पास सिंगल डायमेंशन वाली बात है, ठीक है। और अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास कुछ प्रोडक्ट है और उनकी कुछ प्राइस मौजूद है, ठीक है। कॉलम आपकी टेबल ऐसी तरह बना होता है ना, 101 मेरे पास प्रोडक्ट आईडी है, नेम है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। उसकी यहाँ पे प्राइस लिखी हुई है, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। और उसके बाद उसकी क्वांटिटी प्राइस लिखी हुई है, इसके बाद इसकी क्वांटिटी लिखी हुई है, लेट सपोज मेरे पास 10, ठीक है। तो इस तरह अगर आप देखो यहाँ पे अब कौन से कॉलम पे क्या चीजें हैं, ठीक है, इस तरीके से आपके पास यहाँ पे ये चीजें आ रही होती हैं।
सही है। इंडेक्स की बात करूं, किसकी बात करूं, इंडेक्स की। देखो पहली रो तो मेरे पास ये जीरो है, दूसरी मेरे पास ये वन है, और ये मेरे पास सेकंड रो है। अब इधर ऊपर अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये भी मेरे पास क्या है, जीरो कॉलम है, पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, और ये मेरे पास तीसरा कॉलम, ठीक है। इसका इंडेक्स क्या होगा मेरे पास, जीरो जीरो, मल्टी डायमेंशन तो यही होता है ना। इसी तरीके से मेरे पास ये है, ठीक है। तो मैं अगर बात कर रही हूं तो मेरे एक इंडेक्स के ऊपर, यानी जीरो इंडेक्स के ऊपर ये वाला पूरा एरे मौजूद है, ऐसा ही है। दूसरी वाली लाइन में एक वैल्यू की जगह क्या मौजूद है, एरे मौजूद है, ठीक है। तीसरी वाली लाइन के ऊपर एक वैल्यू नहीं है, ये पूरा का पूरा एरे मौजूद, सही है। तो ये हमारा फिर क्या हो जाता है, मल्टी डायमेंशन एरे बन जाता है, सही है। यहां पर मैं एक अलग अलग एरे जो है वो क्या कर रही हूं, डिफाइन कर रही हूं, समझ आई बात। लेट सपोज मेरे पास ये मौजूद है ना प्रोडक्ट का, लेट सपोज अब मैं इसको बनाने की कोशिश करती हूँ। मैंने यहां पे बनाया डॉलर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एरे, सही है, ये मैंने बना दिया डॉलर प्रोडक्ट इंडेक्स जीरो, सही है। यहां पर मैं एक और एरे बना रही हूं और उसकी यहां पे वैल्यू दे रही हूं, आ रही बात समझ में, सही है। अब मेरे पास यहां पे ये वैल्यू और ये सारी चीजें चल रही हैं, वैल्यू है 101, ठीक है, नेम आ गया मिल्क, ठीक है। इसके बाद आ रही है इसकी प्राइस 120, और इसके बाद है इसकी क्वांटिटी जो कि मेरे पास है 12। अभी एक ही तरह का डेटा टाइप कर रही हूँ, सही है ना, सही है। अभी मेरे पास ये मौजूद है, देख सकते हो यहाँ पे, यही थी चीजें जो मैंने यहाँ पे इसको मेंशन करी हुई है। मतलब मैं वैल्यू एरे में दे रही हूँ, पहले मैं ऐसे दे रही थी ना, अब मैं क्या कह रही हूँ कि ये भी मेरा एक पूरा इंडेक्स है। अब यहाँ पे मैंने कह दिया 1, 1, 0, 2, ठीक है, ब्रेड, इंडेक्स 2, 1, 0, 3, बटर 320, देन 5, सही है। ये मेरा मल्टी डायमेंशन है, ये क्या है मेरा मल्टी डायमेंशन है। अच्छा, मल्टी डायमेंशन एरे को डिस्प्ले कराने के लिए आप जब फॉर का लूप लगाओगे तो वो कैसे लगाओगे, उसकी रॉस और कॉलम पता होने चाहिए मुझे, ठीक है। अगर मैं यहां देखो, पहले मैंने आपसे कहा था कि आप ईगो क्या कर सकते हो, काउंट, और इसके अंदर आप मेंशन क्या कर सकते हो, सही है। तो पहले हम ये चलाते हैं, देन इसके आगे देखते हैं, आ रहा है 3। अब 3 क्या आ रहा है, ड्रॉ, 3 क्या आ रही है आपके पास, रॉ आ रही है। कॉलम नहीं बता रहा वो आपको, सिर्फ क्या बता रहा है, रॉ बता रहा है, ठीक है। अभी
काउंट क्या ये इसका आप कॉलम बताएगा कितने कॉलम है, ठीक है बता रहे हैं ना। तो मैं इस तरीके से ये भी देख सकती हूँ और वो भी देख सकती हूँ कि मेरे पास चार है और ये मेरे पास कितने हैं, तीन है। सही है, आपके पास फोर का जो है वो मेरे पास लूप होना चाहिए जिसके अंदर हमें जो है वो ये काम करना है। इधर मैंने लिखा वेरिएबल बनाया एक रॉ बराबर इसके है डॉलर, कॉलम बराबर है इसके, ठीक है एक रॉ है और एक मेरे पास कॉलम है। यहां हमने एक फॉर का लूप लगाया, डॉलर ए इज इक्वल्स टू जीरो, डॉलर ए लेस देन रॉ पहले आएगी, ठीक है तो यहां मैंने लिखा है रॉ और डॉलर ए प्लस प्लस, ठीक है। इसके बाद दोबारा से आप यहां पे आ जाओ, फॉर का लूप आप यहां लगाओगे, डॉलर बी इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है डॉलर बी इज लेस देन डॉलर कॉलम और डॉलर बी प्लस प्लस, ठीक है। और यहां हम जब इको कराएंगे तो हम क्या इको करा रहे हैं, डॉलर प्रोडक्ट, इधर आ जाएगा डॉलर ए और इधर आ गया मेरे पास डॉलर बी, ठीक है ब्रेक कट है। आ रहा है मेरे पास जी। लेकिन मैं ये चाह रही हूं कि एक रॉ कंप्लीट होने के ऊपर क्या आना चाहिए, एक प्रोडक्ट के बाद यहां पे जब एक प्रोडक्ट की पूरी लाइन हो जाए उसके बाद ब्रेक आना चाहिए ना। तो यहां इको में लाइन ब्रेक यहां होनी चाहिए, सही है एक फॉर का लूप कंप्लीट हो जाए फिर लाइन ब्रेक होगी, सही है यहां पे ये इस तरह आ रहा है। अलग अलग रॉ में ये चीजें उठा के लेके आ रहा है, बात समझ में आ रही है। तो आप इस तरीके से इंडेक्स को पिक कर सकते हो यहाँ पे मल्टी डायमेंशन एरे डिस्प्ले कराने के लिए, ठीक है अगर आपने यहाँ पे बहुत ज्यादा गैप क्रिएट करना है, ठीक है यहाँ पे नॉन ब्रेकेबल स्पेस जो हम लगाते हैं, ठीक है सही है। ये यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है मल्टी डायमेंशन एरे डिस्प्ले हो रहा है, सही है। अब मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट हो और मैं उसको अगर कोई ऐड करा रही हूँ तो मैं सिंगल एरे के अंदर डालती जाऊंगी उसको और उसको क्या करती जाऊंगी ऐड करती जाऊंगी, समझ में आ रही है बात। वैल्यूज को किस में ऐड करूंगी, सिंगल एरे में ऐड करूंगी और उसको मल्टी डायमेंशन एरे के अंदर क्या करती जाऊंगी ऐड करती जाऊंगी। अभी मैं करके दिखाती हूँ, सही है एक बटन लगाऊंगी, ठीक है इसके आगे आगे आपने बटन लगाना है जैसे लिए मेरे पास टेबल डिस्प्ले हो रहा है। अभी तो मैंने ये हार्ड कोडेड आपको यहाँ डिस्प्ले कराया है ना, मैं अब इसको फॉर्म में टेबल में डिस्प्ले करा के ऐड का बटन क्लिक करूंगी तो ये डिटेल उठ के कहाँ चली जाएगी मेरे पास मल्टी डायमेंशन में, डेटाबेस में नहीं जा रही, सही है मल्टी डायमेंशन में जाएगी अभी, सही है अभी रुक जाओ ये पहले इतना करो फिर मैं बताऊं। मैंने लिखा है प्रिंट आर डॉलर प्रोडक्ट, ठीक है ये प्रिंट आर
सौर से लूप से बाहर। अभी तो मैं बहुत मैनरेबल वे में हम जो है वो डिस्प्ले करा रहे हैं ना, एक्चुअल इंडेक्स किस तरह गया और किस तरह सेट हुआ है वो प्रिंट आर बताएगा मुझे। प्रिंट बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट आर, ठीक है, किसी भी वेरिएबल के वैल्यूज को देखने के लिए स्टोर कहाँ हुआ है उस तरह यूज होता है। मैंने यहाँ एरे का नाम बता दिया प्रोडक्ट, और इसको यहाँ मैंने रिफ्रेश करा तो इसने ये बताया कि जो जीरो इंडेक्स है उस पर एक एरे बना हुआ है, सही है, और उसका जो जीरो इंडेक्स है उस पर 101 है, फिर उसका जो पहला इंडेक्स है उस पर मिल्क है, उसके 2 पे ये बना हुआ है, ये पूरा यहाँ तक ये बता रहा है। समझ में आ रही है बात, ये जीरो इंडेक्स पे एक एरे बना हुआ है, फिर ये वन इंडेक्स पर एक एरे बना हुआ है, फिर ये टू इंडेक्स पर एक और एरे बना हुआ है। समझ में आ रही है बात, इसी तरीके से सो ऑन ये चीजें यहाँ पे चलती हुई आपको नजर आ रही है, देख रहे हो, ये पहले की हो गई। इसके बाद अगर मैं दूसरे वाले की वैल्यू दिखाऊं तो दूसरे वाले की आपकी यहां से लेके पूरा यहां तक है, सही है, फिर ये दूसरी वाली की ये वाला पूरा एरे इसका है, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास ये जीरो और ये जो आ रहा है ये मेरे पास ये की है ना मेरी पहली रॉ की, जीरो इंडेक्स 1 2 3, फिर सेकंड रॉ का जीरो इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स, फिर थर्ड रॉ का पहला इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स, तीसरा इंडेक्स, चौथा इंडेक्स, ठीक है। ये प्रिंट आर से मैं देख सकती हूँ कि मेरे पास सारी चीजें सही तरीके से सही जगह पे प्लेस हुई है, ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पे लेना है एक फॉर्म, क्या लेना है मैंने, ठीक है ना, मैंने एक ले लिया फॉर्म है पोस्ट का, ठीक है, गेट भी ले सकते हो, ठीक है, पोस्ट भी लेना चाहो तो वो भी आप ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। अभी मैंने ये लिया हुआ, ठीक है, इसके अंदर मैंने कह दिया मुझे एक क्या चाहिए, एक टेबल चाहिए, ठीक है, टेबल के अंदर मेरे पास क्या होंगी, टेबल हेडिंग होगी टी एच मल्टीप्लाई बाय, मेरे पास कितने कॉलम है, 4, ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे करा तो मेरे पास 4 हेडिंग आ गई, ठीक है, लेकिन ये 4 हेडिंग मेरे पास किस में आनी चाहिए, एक रॉ में आनी चाहिए ना, पहले टी आर लूंगी मैं, ठीक है, पहले एक सिंगल टी आर ले लिया, उसके अंदर ये ले लिया, बाकी नीचे बाद में बनाती हूँ मैं, पहले में आएगी मेरे पास प्रोडक्ट आईडी नेम प्राइस क्वांटिटी, सही है, यहाँ आओ, यहाँ के देखो ये आ रहा है, ठीक है, क्लास MD-6, सही है, 6 भी हर ज्यादा है, इसको 4 करके छोड़ दो, फॉर्म पे लगा रही हूं मैं क्लास, ठीक है, फॉर्म पे मैंने लगा दिया कंटेनर, सही है, सही, मार्जिन देनी है तो आप मार्जिन यहाँ पे लगा सकते हो, मार्जिन लेफ्ट आई थिंक सो, सही है, मार्जिन टॉप से भी 5 है, सही है,
अब इसके अंदर मुझे जो भी चीजें डिस्प्ले करानी है वो मेरे पास बाकी की रॉ आ रही है, जो मेरा डाटा ऊपर ये लिखा है ना, आ रहा है नजर ये एरे वाला, सही है, ये मुझे जो है वो लिखना है, ठीक है। मुझे अब यहाँ पे लिखना है, सही है, यहाँ लिखना है, बात समझ रहे हो। तो मुझे ये जो है वो इसके अंदर लिखना है और डिस्प्ले कराना है टेबल के अंदर, तो मैं जो है वो इको कराऊंगी ना, तो मुझे जो है वो यहाँ पे ये लूप से, ये तो हमारे पास लूप से ये इको हो रहा है ना, इस तरह इको हो रहा है तो मेरे पास ये मौजूद एरे ना, मुझे जो है वो ये अगर आप देखो तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, इको हो रहा है ना, प्रिंट हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन ये मेरे पास पहले से तो मौजूद है ना इसके अंदर। तो मैं अगर इसका डिस्प्ले, जो मेरा ये फॉर वाला डिस्प्ले है, ठीक है, ये तो खैर ब्रेक वगैरह मुझे हटाना है और ना ही मुझे ये लगाना है, सिर्फ ये मेरे पास चीजों को जो डिस्प्ले कर रहा है वो इस चीज से डिस्प्ले कर रहा है। ये वाला जो मेरा कोड है, इस वाले को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ, ऊपर डिस्प्ले रहने दो, ठीक है, बाकी जैसा डिस्प्ले था वैसे कर दिया। अच्छा, मुझे यहाँ पे चाहिए ना रॉ बनानी है, तो यहाँ पे मैंने PHP का टैग क्या किया है, ओपन किया, और यहीं पे मैंने इसको क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया। फॉर का मेरे पास ये रहा, आ गया। अच्छा, ये वाला लूप कॉलम क्रिएट करेगा, ये वाला मेरा फॉर क्या करेगा, रॉ क्रिएट करेगा, मतलब मेरी जो रॉ होगी वो यहाँ क्रिएट होगी, स्टार्ट होगी और नीचे क्या होगी, क्लोज होगी, ठीक है। तो जो मेरा TR का टैग है वो इको करके मैं कहाँ लगा देती हूँ, यहाँ लगा देती हूँ इको, क्योंकि बार बार यहाँ पे खोलने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि एक ही है। यहाँ पे ओपन होना है इसने, और यहाँ पे क्या होना है, क्लोज होना है। इस पोजीशन के ऊपर यहाँ पे आपका TD यानी जो टेबल डिवीजन कह लो या टेबल वो होता है आपका, ठीक है, ये भी हमने क्या करना है, इको करना है। और ये लूप खत्म होने से पहले ही यहीं पे, यानी ये इको अगर मैं बात करूं तो ये एक ही रॉ है मेरे पास, समझ में आ रही है बात, ये यहाँ डॉट करा और यहाँ पे भी मैंने क्या करा, डॉट करा और इसे बंद कर दिया, यानी मैं टेबल के अंदर कॉलम में ये लिख रही हूँ, सही है। नाउ रिफ्रेश, आ रही है मेरे पास ये वैल्यू, आ रही है ना मेरे पास वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये वाला एक फॉर का लूप मेरी रॉ बनाएगा, उसके अंदर वो चार कॉलम बना देगा, रॉ बंद हो गई, दोबारा मेरे एक और रॉ क्रिएट हुई, सेकंड रॉ के कॉलम प्रिंट हुए, रॉ क्लोज हो गई, तीसरी बार उसने फिर रॉ क्रिएट करी, उसके चारों कॉलम प्रिंट करे और मेरी रॉ क्या हो गई, क्लोज हो गई, ठीक है। पहली रॉ उठाई, चारों कॉलम के अंदर रखा, फिर दूसरी रॉ उठाई, रॉ का टैग खोला, फिर अलग अलग कॉलम में जाके ले जाके रख दिया, कॉलम की हेडिंग तो हम पहले दे चुके हैं, सही है। अच्छा, इसके बाद मुझे एक और, यहां मैंने ऊपर ये रखा हुआ है टेबल हेडिंग, ठीक है, ये इस तरह छोड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पे नीचे, यानी मेरे पास जो लास्ट वाला कॉलम है ना, लास्ट वाला कॉलम, एक तो मेरे पास ये कॉलम आ रहा है, कितनी दफा आ रहा है, ये चार दफा आ रहा है, सही है ना, लेकिन यहाँ पे एक बटन नहीं आ रहा, यानी मैं चाहती हूँ कि ये तो आए साथ में, ठीक है, इसके बाद जो है वो बटन भी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बटन भी आना चाहिए, जिसके ऊपर मेरे पास क्या काम होना चाहिए कि मैं ऐड करूँ तो वो मेरे पास पर्टिकुलर ऐड टू कार्ट टाइप की या एरे टाइप के अंदर क्या हो जाए, ऐड हो जाए, सही है। तो ये कितने कॉलम लेके आ रहा है,
चार लेके आ रहा है। ये देखो अभी मैंने सिर्फ टेक्स्ट लिखा है, आ रहा सबके साथ एडिटेड, ठीक है। हाँ, अब अगर मैं सबको यहाँ पे ये कर दूँ, बटन ना भी करूँ, एंकर का टैग लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया, सही है, आ रहा है। इसको मैंने ऐड करा, इसको ऐड करा। अब मैं जिस पे क्लिक करूँ ना, ये पर्टिकुलर उठ के मेरे पास किस में जाना चाहिए, सेशन के एरे में जाना चाहिए, किस में जाना चाहिए, सेशन के एरे में जाना चाहिए। ये वाला हटा दूँ डिस्प्ले, सही है। ये अभी मेरे पास यहाँ पे इस तरह डिस्प्ले हो रहा है, एरे मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, सही है ना, मतलब ये समझ लो डेटाबेस में मौजूद है और उसको उठा के मैंने एरे में डाल दिए, सही है। और मुझे अब सेशन बनाना है, तो सेशन बनाने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ठीक है ना, सेशन स्टार्ट, ठीक है, सेशन स्टार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया। और सबसे पहले आपने क्या करना है, सेशन जो है वो क्रिएट करना है। तो सेशन क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो उसको एम्प्टी करना पड़ेगा, वो एक एम्प्टी हमें क्या लेना पड़ेगा, एरे लेना पड़ेगा, ताकि हम उसको जो है वो उसके अंदर प्लेस कर सकें, ठीक है ना, और बारी बारी हम जो है वो उसके अंदर ऐड कर सकें, जिस तरह हमने यहाँ पे किया है। एक सेशन के अंदर हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे एम्प्टी सेशन लिया हुआ है ना यहाँ पे, फिर उसी के अंदर हम जो है वो क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं ना, एरे पुश कर रहे हैं, ये देखो कर रहे हैं ना मेरे पुश। तो इधर भी हमने यही काम करना है कि हमें एरे को क्या करना है, पुश करना है, और उसके बाद जो है वो हमें डिस्प्ले करना है। अच्छा, ये मेरे पास क्योंकि ऐड है, ठीक है, तो ऐड के अंदर यहाँ पर मैं एक आईडी पास करना चाह रही हूँ, क्या पास कर रही हूँ, यहाँ पे आईडी पास करना चाह रही हूँ, जो मेरे पास इसकी आईडी है, पर्टिकुलर आईडी मेरे पास उठकर आ रही है, सही है, 101 या जो भी आपको यहाँ पे उठानी है या पिक करनी है, सही है। इधर पहले मैं दिखा देती हूँ, सेम पेज है हमारा, सही है, रॉ हमारे पास कौन सी है, ब्रेक करूं मैं पहले, डायरेक्टली देखती हूँ ये क्या प्रिंट कर रहा है, सही है, नहीं नहीं यहाँ डॉट पी एच पी लगाऊंगा, हाँ हाँ आईडी जीरो, सही है वो, मैंने ऐड करा मतलब क्लिक करा, तो ये मैं बता रही हूँ कि मेरे पास कौन सी रॉ है ना, उसका पहला वाला है ना, ये तो ये वन है, ये मेरे पास टू है, सही है, तो मैं इसको खुद पिक कर लूंगी ना कि मेरे पास जीरो जीरो पे क्या मौजूद है,
जो तो हम पिक कर सकते हैं ना, 0-0 पे हमारे पास क्या चीज मौजूद है। इसी तरह जब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास 1 रॉ का है और ये मेरे पास कितना है 3 रॉ का है। ये चीज आपने जब पिक कर लिया और ये यहाँ पे आप चेक करो, इसकी कंडीशन लगाई, ठीक है, इस सेट गेट यूआरएल से कुछ भी उठाएंगे हम क्या करेंगे, गेट करेंगे। यहां हमने चेक किया आईडी, अगर ये मेरे पास हो चुकी है, ठीक है, आईडी सही है, ये मेरे पास आ चुका है, ठीक है, तो इधर मैंने यहाँ पे सबसे पहली बात है कि जो पिक करना है वो क्या चीज पिक करनी है। एक मिनट इसको नीचे कर दूं मैं, यहाँ पे कर दें। आईडी अगर आपके पास सेट हो चुकी है तो आपने सबसे पहले क्या है वो क्या करना है, डॉलर आईडी इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये जो आईडी है ये जो इक्वल्स टू ये जो आ रहा है ना, सही है, इधर आईडी नहीं कर रही मैं, इंडेक्स कर देती हूँ उसे, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स उठा लिया उसने पर्टिकुलर रॉ का, सही है। इसके बाद मैंने डॉलर आईडी लेनी है और जो मेरे पास आईडी है वो क्या है, डॉलर प्रोडक्ट, ठीक है, उसके अंदर का यहाँ पे डॉलर इंडेक्स चल रहा है और एक बाय डिफॉल्ट मैंने जो पता है कि मेरे पास क्या है ये दिया हुआ, सही है। अगर आईडी सेट हो गई तो ये इको करा दो, क्या चीज, डॉलर आईडी। तो अब ये क्या इको करा रहा होगा, डॉलर आईडी इको करा देगा, आ रहा है 101 102 103 पिक कर रहा है ना, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इसी तरह मुझे सेशन के अंदर चीजें ऐड करानी, क्या करानी मुझे सेशन के अंदर ऐड करानी, तो सेशन के अंदर भी मैं यहीं पे ऐड कराऊंगी, सही है। गेट का मतलब होता है यूआरएल से पिक करो, कहाँ से पिक करो, यहाँ से पिक करो, यूआरएल पे ये जो लिखा हुआ है, ये वेरिएबल आईडी बनाई है तो मैं यहाँ पे भी गेट जो करूंगी वो मैं इधर से ही करूंगी, ठीक है। अब इसके अंदर भी मेरे पास दो तरह की कंडीशन लगेंगी इफ में, सबसे पहली बात मेरे पास यहाँ पे ये होगी कि मेरे पास अगर डॉलर सेशन में यहाँ पे लिखूंगी कि मेरे पास एम्प्टी है या क्रिएट करता है या नहीं करता, इफ और एस लगाना है, क्या लगाना है मुझे, इफ और एस लगाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करना है कि मेरे पास जब आईडी गेट हो रही है, सही है, तो मैंने यहाँ पे एक बनाया है डॉलर अंडरस्कोर सेशन, ठीक है, अगर मतलब एक्सेस नहीं करता या जो भी, हम यहाँ पे हम बनाना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और ये है मेरे पास प्रोडक्ट, इसको मैं एरे नहीं बनाऊंगी, इसको मैं सिर्फ और सिर्फ क्या बना रही हूँ यहाँ पे ऊपर, सही है, अगर डिक्लेयर करना है तो डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे ये बनाना है तो आप ये बना लो, कोई मसला नहीं है। बार बार अगर मैं बनाऊंगी तो बार बार ये फिर एम्प्टी ही आ रहा होगा, ठीक है। तो मैंने ये चेक करा है कि इक्वल्स टू क्या है, इक्वल्स टू नल है, यानी एम्प्टी है, ठीक है। तो क्या करना है, क्रिएट करना है इक्वल्स टू, क्या कर दो, एरे कर दो, सही है, क्या कर दिया, एरे कर दिया। अब इसके अंदर जो है वो आपने जो चीजें ऐड करानी है, जो भी हमने यहाँ पे सेशन लिया हुआ है, जो भी हमने वैल्यूज ली हुई है, उसे हमें जो है वो किसमें ऐड कराना है, सेशन एरे के अंदर ऐड कराना है, ठीक है। तो सेशन एरे के अंदर आप कुछ भी अगर ऐड कराओगे तो वो फिर आप इस तरीके से लिखोगे कि भाई एरे पुश, आ रहा है नजर, एरे पुश,
एरे पुश के अंदर यहाँ पर आपकी जो पर्टिकुलर रॉ है या पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, यानी डॉलर प्रोडक्ट है, ठीक है, वो खुद एक एरे है. क्या है वो? एक खुद एरे है और उसकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आएगी. ये शॉर्ट लिखी है मैंने, ठीक है. तो यहाँ पे ये खुद वैल्यूज मेरे पास मौजूद है. क्या है मेरे पास? ये वैल्यू मेरे पास खुद मौजूद है. इसके इंडेक्स पर मेरे पास जो पहला इंडेक्स है उसके ऊपर मेरे पास क्या आनी चाहिए? ये वाली इंडेक्स की वैल्यू आनी चाहिए. अब इधर देखो, क्योंकि ये मुझे मल्टी डायमेंशन बनाना है ना, पहला जीरो होगा, इसके बाद क्या होगा? वन होगा. बात समझ रहे हो? इसके बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी? टू. और इसके बाद ये वैल्यू है, रुक जाओ, करने दो पहले. अभी ये मैंने आपको दिखाया, ये वाली वैल्यू दिखाई थी, इससे क्या प्रिंट हो रहा था? आ रही थी ना. अगर मैं इसको वन कर दूं तो क्या प्रिंट होगा? नाम प्रिंट होगा. तो मैं एरे के इंडेक्स पे वैल्यू रख रही हूं, ये वाली आईडी, फिर ये वाली नेम, ठीक है. इस तरह इंडेक्स क्यों रखा है? ताकि उस पर्टिकुलर रॉ का ही डाटा ऐड हो. ये वाला प्रोडक्ट ये ऊपर बनाओ तो है. ये बेसिकली हमारा डेटाबेस होता है. डेटाबेस अभी तो हम डेटाबेस से नहीं कर रहे ना, इसलिए ऊपर लिखा हुआ है. बताऊंगी पहले इसके कॉन्सेप्ट समझो, फिर ही समझ सकते हो. अगर मैंने कहा है कि ये नल है तो ये क्रिएट करो और ये पुश करो, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है. और अगर पहले से ही क्रिएट हुआ है तो एरे बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या कर दो? पुश कर दो. अभी रुक जाओ. हाँ, कहाँ है फ्रूट? ये चेंज करेंगे ना, ये प्रोडक्ट करेंगे, ये यहाँ पे हमें कर देना प्रोडक्ट, सही है, क्योंकि हमारा सेशन चेंज हो चुका है ना. लाइन नंबर 25. अच्छा, डिस्प्ले भी कराना है मुझे. Print R $_ session product. ठीक है, ये सारे सेशन का जितनी भी चीजें है ना, ये सब यहाँ पे आ रही है. पहला आ गया, सही है, यहाँ तक का, फिर वन वाला चला, सही है, फिर ये दूसरा आ रहा है, सही है, उसके बाद ये तीसरा, और ये फिर ये चौथा, सही है. ये बारी बारी जो है वो सारी चीजें ही आ रही है. मैं जितनी बार इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी ना, ये देखो एक ही आइटम्स ऐड होता हुआ नजर आ रहा है. आ रहे नजर? ठीक है, ऐड कर रही हूँ, देखो हर दफा ये ऐड हो रहा है और इसका अपना इंडेक्स चल रहा है. जितनी बार मैं ऐड करी ना सेशन के इंडेक्स के अंदर, वो क्या कर रहा है? 0, 1, 2 करके ऐड कर रहा है. ठीक है,
तो जितनी दफा आप क्लिक करेंगे ये उतनी दफा आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, सही है, बात समझ रहे हो। लेकिन इसमें ना क्या है कि अगर मैं एक आइटम एक दफा ऐड कर चुकी हूँ तो दोबारा क्लिक करने पे ऐड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना उसको ऐड, उसकी क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, बात समझ रहे हो। ये जब हम वेबसाइट पे करेंगे तो तब बहुत सारी चीजें आप वही रन टाइम पे मैनेज कर लोगे, लेकिन ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि मेरे पास सेशन के एरे के अंदर ये चीज मैनेज हो रही है, दोबारा से सेशन मेरा क्लिक करने के ऊपर क्या नहीं हो रहा, एम्प्टी नहीं हो रहा, एम्प्टी नहीं हो रहा है, सही है। मल्टी डायमेंशनल एरे मेरे पास यहाँ पे एम्प्टी नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऊपर एक सिर्फ ये डिफाइन किया है, इसमें एरे इनिशियलाइज नहीं किया है, सिर्फ एक वेरिएबल बना हुआ है, ठीक है, ना तो इसकी वैल्यू गेट हुई है ना वैल्यू सेट हुई है, ठीक है। यहां दोबारा देखो मैंने ये कहा है अगर आईडी सेट हो गई, यानी मतलब आपने एड पे क्लिक कर दिया, क्या करा आपने एड पे, ठीक है, जब आप एड पे क्लिक करोगे तो ये आईडी यहाँ पे सेट हो जाएगी, जब ये आईडी सेट हो जाएगी तो ये इसको गेट करेगा, गेट करा उसने, गेट करकर उसने अपना इंडेक्स बना लिया, यानी उसने ये चीज गेट करी है, ठीक है, प्रोडक्ट का इंडेक्स जिसपे ये डाटा मौजूद है उसको जीरो मिल गया, पहला क्लिक किया उसको जीरो मिल गया, उसने कहा कि इंडेक्स जीरो की चीजें हैं, तो आगे की जो मेरे पास चीजें चल रही होंगी वो किस तरह चलेंगी, जीरो वन टू थ्री, ये हम खुद दे रहे हैं। मैंने कहा सेशन प्रोडक्ट मेरा सबसे पहले तो एम्प्टी होगा, अगर वो मेरे पास एम्प्टी है तो एक एम्प्टी एरे क्रिएट कर दो, कर दिया उसने एम्प्टी एरे क्रिएट, ठीक है, एक वेरिएबल बनाया मैंने प्रोडक्ट का, उसको मैं सिंगल डायमेंशनल एरे की वैल्यू दे दी, भाई वैल्यू तो तुम यहां पे ऐसे भी दे सकते थे ना जिस तरह ये दी हुई सिंगल डायमेंशनल एरे की वैल्यू, अगर मैं ये चीज यहां लिख दूंगी तो हर क्लिकिंग के ऊपर यही आता रहेगा, सेम वैल्यू आएगी ना, मुझे तो हर की अलग अलग चाहिए, सही है, तो इसलिए मैंने कहा कि इंडेक्स अगर जीरो है तो जीरो जीरो की वैल्यू लेके आएगा, अगर वन है तो वन जीरो की वैल्यू लेके आता, और अगर टू होता तो टू जीरो की वैल्यू लेके आता, समझ रहे हो, ये डेटा मेरे पास पहले से मौजूद है, पहले से मौजूद है, इसने एक सिंगल डायमेंशनल एरे में सारे प्रोडक्ट को सेव करा और सिंगल डायमेंशनल एरे सेशन के अंदर ले जाके क्या कर दिया, पुश कर दिया, ठीक है। जब ये दोबारा मैं ऐड पे क्लिक करूंगी तो अब मेरे पास सेशन प्रोडक्ट नल नहीं है, वैल्यू ऑक्यूपाई करता है, अब वैल्यू है तो डायरेक्टली एरे बनाओ और उसको पुश कर दो, एम्प्टी एरे बनाने की जरूरत नहीं है, सही है। अब इधर देखो नीचे एक क्लियर का मैं वो बना देती हूं यहां पे, मल्टी एरे डॉट पीएचपी क्वेश्चन मार्क एम्प्टी कार्ड, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो, एम्प्टी कार्ड, ये आ रहा है मेरे पास यहां पे एम्प्टी कार्ड का ऑप्शन, ठीक है, और इस पे ये जा भी रहा है, जा भी रहा है ना, क्लिक कर रही हूँ एम्प्टी कार्ड तो इस पे ये मेरे पास ऊपर ये वैल्यू सेट भी हो रही है, तो जब ऊपर मेरे पास ये वैल्यू सेट हो रही है तो यहां पर इधर जाइए, मैंने इफ से गेट सेट किया है ना, यहां मैंने ऊपर गई, यहां पे मैंने लगाया, अब मेरे पास वैल्यू क्या चीज है, ये रहा एम्प्टी कार्ड, एम्प्टी कार्ड को मैं शॉर्ट कर, ठीक है, ईसी कर दे रही हूं, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना,
ठीक है, वेरिएबल्स के नाम, ये लगा दिया, इफ अगर इसकी कोई ना कोई वैल्यू दे दी गई है, ट्रू दे दो या एम्प्टी कार्ड, ठीक है जो भी आपने यहाँ पे देनी है इसकी वैल्यू आप दे सकते हो, सही है। अगेन आप इफ लगाओ, अभी तो मैंने जीरो सेट करी है ना, जीरो है तो क्या करो, सेशन एरे दोबारा से बना दो, क्या कर दो, बना दो, या इसको वापस जो है वो क्या कर दो, एम्प्टी कर दो या डिस्ट्रॉय कर दो, कुछ भी आप कर सकते हो, एम्प्टी कर दो, सही है, एम्प्टी कर दिया मैंने, ये दोबारा से बना देगा, सही है। अब इधर देखो, हो गया एम्प्टी, हो गया, एरे में कुछ नहीं है क्योंकि एरे मैंने प्रिंट करवाया है ना, तो कुछ नहीं है, ऐड करा इसके अंदर एक एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है, ये दूसरा आ रहा है, सही है, आ रही बात समझ में, आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है एम्प्टी, सही है, कार्ड एम्प्टी हो जाता है इस तरह से, सही है, और इसी तरीके से ऐड हो जाएगा, पहले इतना कर लो।